पाठ 11 छोटा जादूगर अध्याय परिचय। छोटा जादूगर कहानी एक ऐसे निडर और स्वाभिमानी बच्चे के चरित्र को उद्घाटित करती है जो कष्टपूर्ण स्थिति में भी अपने स्वाभिमान को नहीं खोता। आर्थिक और सामाजिक विवशताओं के बाद भी वह देशभक्ति की भावना भी अपने मन में लेकर चलता है। कहानी में मानवीय भावनाओं का सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है। एक कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से कुछ मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी हुई थी। जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी प्रसन्नता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रसन्नता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो वहां पर तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र हो। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछ लिया, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है। और तुम तमाशा देख रहे हो? उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पत्थे दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसीलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भरूं? मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्याग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9:02:11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर।